रेतीले राजस्थान का इतिहास तो खूब पढ़ा होगा, मगर अब इतिहास के राजस्थान की वर्तमान स्थिति कुछ इटली के शहर वेनिस जैसी हो गई है। ये तस्वीर किसी एक जिले की नहीं है, ये तस्वीर है राजस्थान के चार अलग अलग जिले बारा, झालावाड़, कोटा और जालोर की। ये तस्वीरें किसी समंदर की नहीं है, तस्वीरें हैं झालावाड़ जिले की। घरों के बाहर पानी देखकर वेनिस सिटी की याद आ जाती है, मगर ये वेनिस नहीं है। ये सड़कें हैं जिन पर दो दिन पहले तक गाड़ियां फर्राटा मारा करती थी, लेकिन आज यहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। दूसरी तस्वीर भी झालावाड़ की है, चारों तरफ पानी ही पानी, देखने से ये किसी समुंदर जैसा लग रहा है, मगर ये काली सिंध नदी का किनारा है। पानी के बीच में दिख रही तस्वीरें जेसीबी ट्रक की है। अब अंदाजा लगाइए, जब पानी में बड़ी बड़ी गाड़ियां समा रही है तो आदमी की बिसात ही क्या है। बारा जिले से पार्वती, पर्वत, काली सिंध नदियां पूरे उफान पर चल रही है। राजस्थान से लगी मध्य प्रदेश की सीमा के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। जिले में कई एनडीआरएफ टीमें सूचना मिलने पर रात दिन लगाकर लोगों को निकालने का काम तेजी से कर रही है। कोटा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित स्थानों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जालोर में भी इस बार भयंकर बारिश से बाढ़ के हालात है। जालोर से रतनपुरा जाने वाले मार्ग का भी संपर्क टूट गया है। वहीं जालोर की कोड़ी नदी में भी पानी तेज गति से चल रहा है। जिले में रेलवे अंडर ब्रिज में इतना ज्यादा पानी होने की वजह से आवागमन रुक गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में जालोर जिले में भयंकर बारिश होगी। जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।